नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स का पंचनामा और मैं हूं शरद दुबे। आज के जो मार्केट्स थे रेंज बाउंड थे और जो निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट तीसरे दिन से जो है जो निफ्टी जो है रेंज बाउंड थे 15,100 से 15,300 के रेंज में। आज एक्सपायरी का दिन था तो थोड़े बैंक्स में आपकी जो निफ्टी बैंक है उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिली थी और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का डाउन टुक देखने मिला, जो 3,600 के नीचे लेवल्स में निफ्टी बैंक में देखने को मिला। उसके अलावा PSU बैंक्स में जो तेज़ी देखने को मिल रही है लगातार तीसरे दिन, बहुत सारे जो PSU बैंक्स है प्राइवेटाइजेशन के बज में अपर सर्किट्स खा रहे थे ऑल अक्रॉस द बोर्ड। और उसके अलावा जो सेक्टर्स की बात करें, आपकी मेटल स्पेस हो, ऑयल एंड गैस हो, पावर हो, और इवन आपके जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं और थोड़े से कुछ चंद NBFC स्टॉक्स, इनमें तेज़ी देखने मिली। प्रेशर जो सेलिंग प्रेशर की बात करें तो उसमें आपके फार्मा स्पेस पे देखने मिली थी, ऑटो स्पेस पे देखने बड़ी थी। और जो ओवरऑल जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें वो 3:2 था, विद द फेवर ऑफ बुल्स था। और कुछ स्टॉक्स थे जो स्पेसिफिक थे, जो डिक्सन टेक का नाम लूँगा जो पहली बार अपना लाइफ टाइम हाई टच किया और 20,000 रुपये प्रति शेयर का जो आंकड़ा है माइलस्टोन क्रॉस किया दिन के ट्रेड में, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके अलावा आपके पावर ग्रिड, हिंडालको, अदानी पोर्ट्स और SBI, ये चारों स्टॉक आपके जो निफ्टी पैक है उस पर लाइफ टाइम हाईस को टच किए थे। और उसके अलावा जो है हम लोग बात करेंगे निफ्टी के गेनर्स की, तो उसमें सबसे पहले आपके आते हैं BPCL, IOC, NTPC और कोल इंडिया। ये सारे स्टॉक्स 3 से 5% ग्रो किए थे और सारे जो ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर है वो सारे स्टॉक्स जो है बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे PSU स्पेस में। निफ्टी लूजर्स में बात करें तो आपके जो फाइनेंशियल्स में जो थोड़ी प्रेशर देखने मिली थी और ऑटो में, उसमें मैं पॉइंट आउट करूँगा बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, 1.5 से 2.5% का गिरावट देखने मिला था इन स्टॉक्स में। मिड कैप स्पेस में बात करें तो आपके कैपिटल गुड्स के भेल और जो पावर सेक्टर के टोरेंट पावर है, ये भी स्टॉक्स अच्छे कर रहे थे, 4 से 6% का ग्रोथ देखने मिला। और उसके अलावा जो आपके जो कुछ छोटे से रियलिटी पैक है, हुडको और प्रेस्टीज स्टेट्स, ये भी 3 से 5% में एक अच्छा जंप देखने मिला। लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉडर जो स्टॉक्स थे आपके रियलिटी स्पेस पे, उनमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिली। मिड कैप लूजर्स में बात करें तो ITI में मुनाफा वसूली हुई है, जो कल के जो ग्रोथ देखने मिली थी, जो 6-7% स्टॉक भागा था, आज ऑलमोस्ट 3% स्टॉक डाउन था क्योंकि मुनाफा वसूली हुआ था। और उसके अलावा आपके जो अपोलो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है, इसमें भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिली थी और थोड़ी प्रेशर थी आपके मेडिकल स्पेस में। और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में भी ऑलमोस्ट 2.5% का डाउन टेक देखने मिला। ऑयल एंड गैस जो आज सेक्टर था, इस फोकस में था दिन के सेक्टर में, उसमें से आपके निफ्टी में ONGC और गेल जो उनके टॉप गेनर्स थे, दिन में 5% से ज़्यादा उस स्टॉक में उछाल देखने को मिला था इन स्टॉक्स के लिए। और गुजरात गैस, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, जो ऑलमोस्ट एज हाई एज 13% गए थे दिन के ट्रेड में, लेकिन बंद हुए थे अराउंड 11% के हाइट पे। और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, उसमें भी अच्छा दिखने मिला था चढ़ाव, जो ऑलमोस्ट 8% का था। तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर थे कल, उन्होंने कहा था कि जो ऑयल एंड गैस की जो ओवरऑल इंफ्रा है उस पर 7.5 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा अगले 5 साल में, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो आपके जो ऑयल के पेट्रो प्रोडक्ट्स है उनको GST के एम्बिट में लाना पड़ेगा। सो बेसिकली जब आप ये प्रोडक्ट्स GST के एम्बिट में लाते हैं तो ओवरऑल एक रिडक्शन होने एक्सपेक्टेशन है आपके गैस प्राइसेस के लिए। और 10 से 15% तक हमारा ब्रोकरेज से बात हुआ है कि उसमें कॉस्ट में रिडक्शन होगी। और उसके अलावा डिमांड जो है, ओवरऑल वॉल्यूम, वो बहुत बेहतरीन होगा आपके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए। और इसके कारण जो है प्राइसिंग पावर में भी एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो स्टॉक्स के बारे में बात करें, जितना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो भी बहुत बेनिफिट होता होगा जो रॉ मटेरियल पे लिया जाता है। याद रखिएगा गुजरात गैस का ऑलमोस्ट 70% जो रेवेन्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है, तो इसलिए ये सारे स्टॉक्स जो थे स्पेस में चहक रहे थे। पर कुछ कुछ पोर्शंस पे आपके जो PSU पोर्शंस की बात करें ऑयल एंड गैस के अलावा, उसमें GIC और न्यू इंडिया अश्योरेंस के स्टॉक्स जो थे ऑलमोस्ट अपर सर्किट खाए थे 20% ईच आज दिन के ट्रेड में। और बाकी और ये रबऑफ देखने मिला था अलग लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी। लेकिन बेसिकली जो मार्केट्स का बज़ है कि प्राइवेटाइजेशन है और एक वैल्यूएशन सपोर्ट दे रही है इन दोनों स्टॉक्स को। और उसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन भी एक लास्ट आखिरी आवर में एक स्पाइक देखने मिला, जहाँ रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग है उन्होंने एक बिड दिया है शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए, तो उसमें स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। और उसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपके जो PSU बैंक है, जो उसमें भी ग्रोथ देखने मिला था ऑलमोस्ट 10% का, क्योंकि जो PSU बैंक्स जो हैं प्राइवेटाइज
में बज कर रहे हैं। और आखिरी में बात करेंगे शुगर स्टॉक्स की, आपके बलरामपुर चीनी मिल्स ले लीजिए या प्राज इंडस्ट्रीज ले लीजिए, ऑलमोस्ट 8 से लेकर 12% तक का ग्रोथ दिखाया था। इसमें जो उनके जो गवर्निंग बॉडी है इंडिया में, उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन के डिटेल से आज बोले तो ऑलमोस्ट 23% का ग्रोथ देखने मिला, जो 170 लीटर्स का था। तो बेसिकली फरवरी 15 तक का FY21 का डेटा था, तो ये एक टाइप से एक अच्छा प्रोडक्शन नंबर्स के कारण जो है ये अच्छा रब ऑफ देखने मिला शुगर स्टॉक्स में। और जो है कोई भी बाकी सारे स्टॉक्स की आपको जानकारी हो तो आप काइंडली मेरे ट्विटर हैंडल @SharadNaindubey में आप क्वेरी लिख सकते हैं। और बाकी सारे मार्केट्स का हाल देखने के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।